एमसी स्टैन का और अब्दू का झगड़ा हो गया, कैसे? कुछ पता आइडिया? दूध में नींबू डालोगे तो कड़वा हो जाता। नहीं तो बनेगी ना। हाँ बात तो सही है। हमारी दोस्ती थी, अब तक चल रही है और आगे तक चलेगी। आप लोगों ने ना पता है क्या कहते हैं, आपको कोई भी रिलेशन को अगर आप 4 महीने में, चाहे आप हस्बैंड वाइफ को या आप लोग मतलब बहन भाई को, चार महीने के अंदर रूम में बंद करके रख दोगे तो ऑफकोर्स हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई होगी, चाहे बहन भाई में भी लड़ाई होगी। तो अगर मेरी और प्रियंका की लड़ाई होती थी तो उसको बोला जाता था कि ओ भाई तो लड़ाई कर रहा है, हम लोग अच्छे दोस्त है तभी तो लड़ाई कर रहे हैं। हाँ तो अब देख लो अभी सच आ गया, सब लोग सीरियस हो गया एकदम मामला। अब्दू भाई भी भड़के है। दही तो बनेगी, सही बात है। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे लगता है इन सब चीजों के बीच में अब्दू को बहुत, मतलब अब्दू को सब लोगों ने यूज किया है, क्योंकि अब्दू तो एक दिन पहले वो आ गया था सोशल मीडिया पे ट्रेलर जिसमें अब्दू को दिखाया गया था कि ये आ गया है, तो सब लोगों ने अब्दू को सर्च किया गूगल पे उसके फैन से। तो इस वजह से अब्दू के साथ सिंपैथी कार्ड लोग खेल रहे थे वहाँ पे सभी लोग। मैं बोलना चाहती, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू का हर किसी ने यूज किया है और शायद पता नहीं अब्दू को पता चले ये बात या नहीं, बट मेरी जो सहन में है वो ये है कि मैं भी अंदर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है। और देखते क्या है, मैं तो बस ये बोलती हूँ कि भाई आप लोग दोस्त हो, आपस में सलाह मशवरा करके दोस्ती को बढ़ाओ और क्या करके रह सकते हैं। थैंक यू मैम। अर्चना मैम, हेलो मैम, कैसे हो मैम? बस मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कैसे आप, मैंने सुना बारिश आ रही है। हाँ 2 दिन बारिश आई थी यहाँ पे। 2 दिन आया था मैम। यहाँ से आ जाओ, थोड़ा धीरे से ले मैम। मैम अच्छी लग रही है। यस थैंक यू सो मच। मैम